अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिल और दिमाग को पुरसकून रखे, आमीन। दिस इज परफॉर्मेंस प्रेशर। बताना कैसा बना है? आप बताएं कैसा? मज़े क्या? It's good. जी दिस जस्ट स्पाइसी लेकिन थोड़ा बहुत। That's a good thing, right? Yeah, it's a good thing. JazakAllah. ले जनाब, रिव्यू आपने सुन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे कि हमने ये फ़ैसला किया कि हम वीक में एक दिन ज़रूर बनाया करेंगे। अब देखें अब इस फैसले को हम कितनी देर लेकर चलते हैं। और आज मौसम बहुत ठंडा था, ठंडी या हवा चल रही थी, आपको अंदाज़ा हो ही रहा है देख के। तो मैंने फारिस को स्कूल छोड़ा है और अब मैं वापसी की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ भी आगे वापसी पर जी इस ब्रिज पर से दो रास्ते निकलते हैं और शॉर्टकट ढूंढने की तो हमें आदत है ही, और दिल भी करता है कि फटाफट से शॉर्टकट इस्तेमाल करें और मंजिल पे पहुंच जाएं, या कोई भी काम ऐसा, किसी भी किस्म के काम में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, ख्वाह वो खाना पकाने का हो या कहीं जाने का हो, किसी भी किस्म का हो। तो ये है जी वो शॉर्टकट। एक ये साइड है, एक दूसरी साइड है जिस पर स्टेयर्स हैं, एक साइड पर है जी रैम्प जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ये व्हील चेयर्स वगैरह वालों के लिए और स्ट्रॉलर जो लेके आते हैं, प्रैम लेके आते हैं ना, उनके लिए बनाया हुआ है। और ये दूसरी तरफ स्टेयर्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं स्टेयर्स से जाती हूँ। और फिर उसके बाद एक शॉर्टकट और था जो कि इस तरह से था, ये एक साइड से इस तरह से घुमा के सड़क पर जाती थी जो फुटपाथ पर जाता था, और दूसरा जी ये सामने मेरे था, और मैंने फिर शॉर्टकट लिया और फिर मैं यहाँ से नीचे उतर के, यहाँ सामने ही फुटपाथ था, मैं वहाँ पहुँच गई। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जो रस का डब्बा लेकर आती हूँ उसमें से क्या निकलता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि अनलकीली इस दफ़ा निकला नहीं है, लेकिन चलें वो पेंडिंग रहा, वो जब भी इंशाल्लाह अगली दफ़ा आया और निकला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन यह है कि ये जो रस मैं आपको दिखाने लगी हूँ ना, मैं मोस्टली 99% यही वाली रस लाती हूँ, और ये बहुत मज़े की होती है। और इंशाल्लाह एंड पर मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आप में से शायद कम लोगों ने ही खाई हो, क्योंकि ये इतनी आम नहीं है। मैंने भी अपने ससुराल में पहली दफ़ा ये देखी थी और काफ़ी आसान सी, यूनिक सी मुझे लगी थी, लेकिन मज़े की लगती है हर एक को। खैर मज़े की नहीं भी लगती, लेकिन मुझे बहरहाल लगी थी ये, और मैं अक्सर बना भी लेती हूँ और खा भी लेती हूँ और बना के भी देती हूँ। तो जी ये है वो मिल्क रस का डब्बा जो कि मैं अपने यहाँ साथ ही, मेरे इंडियन दुकान है वहाँ से मैं लेके आई थी। ये लबनानी दुकान से, अफ़गानी दुकान से, इंडियन पाकिस्तानी है, हर किस्म की दुकान पे इजीली यहाँ अवेलेबल होती है। और इसमें होता है जी, ये साइड पे आप देख रहे हैं कूल माउथ फ्रेशनर का पैकेट्स लिखा हुआ है ऊपर, 40 फ्री पैकेट्स होते हैं। तो वो मैंने जैसा कि पहले आपको सामने जिक्र कर ही दिया है कि वो इसमें से नहीं निकला इस बार, कोई बात नहीं, अल्लाह का बंदा कोई डालना भूल गया इसमें तो कुछ नहीं होता। तो ओके, अगली दफ़ा चले, किस्मत अगली दफ़ा काम कर जाए, क्या पता। और ये पहली दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि इसमें से नहीं निकला, और मैं हैरान हो गई थी वैसे देख के, मैंने डब्बा 2-3 दफ़ा देखा अंदर से तो वो बिल्कुल खाली था, तो मैंने सोचा कि शायद मैं रस का पैकेट खोलूँ तो इसमें से निकल आए, लेकिन नहीं, इसमें से भी नहीं निकला, तो ये खाली है बिल्कुल। तो मैंने बाकी वापस रख दिए, और ये जी रस जो हैं इनको मैं अब अपनी जो बाल्टी मैंने रखी हुई हैं उसमें मैं अब इसको रीफ़िल कर दूँगी, और ये एक पैकेट जो है इस बाल्टी में आसानी से इजीली आ जाता है। और दो रस एक्स्ट्रा बची थी इसमें से, तो वो मैंने फिर खा ली थी, और सादी मैंने चाय के साथ ही खाई हैं, लेकिन मैं रेसिपी जो शेयर करूँगी वो मैंने पहले बनाई हुई थी। तो ये है जी अंडा फेंटा है मैंने, जिसके अंदर मैंने नमक मिर्च डाला है सादा सा बिल्कुल, और ये रस को मैंने थोड़ा सा सेक लगाना है तवे के ऊपर, और इसके बाद फिर मैंने दोनों तरफ से पलट के ना इसको सेक लगा लेना, और उसके बाद ऑयल थोड़ा सा डाल के अंडा मैंने डाल दिया इसके ऊपर, और इस अंडे को आपने आराम से बस थोड़ा सा लाइनें लगा के ना पीसेस करके इसके तवे पे कर लें, या बाद में आप इजीली जैसे कर सकें, तो इनको हर रस के ऊपर आपने रख लेना है और इसी तरह से इसको खा लेना है। तो जी है ये रेसिपी, और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।